हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। او دلته چې کوم د مون ټول هم پښتانه دي او مین مقام سیف شو نور چې کوم مېلمانه راغلي دي هغوی ته په خیر راغلی او سلام وایم او ډېره مننه میں تمام یہاں پر جو ہماری گیسٹ ہے محترم پرائم منسٹر صاحب منسٹر صاحب یور ایکسلنسیز خواتین و حضرات میرے دوستو السلام علیکم بہت ہی خوش ہوں اور ابھی تک یقین نہیں آ رہا اگر سچ کہوں آئی اسٹل کانٹ بلیو دیٹ This is actually happening. ये सच है. मैंने पिछले पाँच सालों में हमेशा से यही ख्वाब देखा है कि मैं अपने मुल्क में कदम रख सकूँ और हमेशा ही जब कभी जहाज में होती हूँ कभी गाड़ी में होती हूँ एंड आई सी द सिटीज ऑफ लंदन न्यूयॉर्क तो कहती थी कि बस इमेजिन करो कि ये पाकिस्तान है इमेजिन करो कि तुम इस्लामाबाद में ड्राइव कर रही हो इमेजिन करो कि ये कराची है एंड इट वॉज नेवर ट्रू और जब आज देख रही हूँ तो बहुत खुश हूँ मैं 1999 में पैदा हुई मैं ज़्यादा रोती नहीं हूँ बस आज पता नहीं क्योंकि मैं अभी 20 साल की हूँ लेकिन ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा फ्रॉम ग्रोइंग अप इन स्वात वैली इतना खूबसूरत इलाका था to then seeing extremism and terrorism in 2007 till 2009 and then seeing how many difficulties women and girls face in our society and how we can find against those challenges aur phir attack hona apne mulk ko chhodna everything was just happening itself like you could not control anything agar main chahti to main कभी भी अपने मुल्क को नहीं छोड़ती मगर यहाँ के डॉक्टरों ने मेरे लिए सर्जरी की और मेरी जान बचाई फिर फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आई हैड टू गो आउट एंड आई हैड टू कंटिन्यू माय एजुकेशन देयर एंड हमेशा से यही ख्वाब था कि पाकिस्तान जाऊँ वहाँ अमन से और बिना किसी खौफ से आई कैन मूव ऑन द स्ट्रीट्स आई कैन मीट पीपल आई कैन टॉक टू पीपल And I can, and it, there is my old home again. जैसे पहले था वैसा ही हो. So it's actually happening, and I'm grateful to all of you. और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो उसका future generation है, वो उसकी लोग है. It's the biggest resource that we have. तो हमें इन बच्चों की तालीम में invest करना चाहिए, हमें इस पर काम करना चाहिए. मलाला फंड पहले से इस पर काम कर रहा है. We have invested. More than $6 million in Pakistan in girls' education. We are continuing this work. और जो भी काम कर रहे हैं international level पे advocacy हो sustainable development goals में 12 years of safe quality and free education को highlight करना हो या refugee children के बारे में बोलना हो this is something that we have been doing in the last 5 years. और वी विल कंटिन्यू टू डू सो सो आई होप दैट वी ऑल कैन जॉइन हैंड्स इन दिस मिशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो हमारा मुस्तकबिल है वो सही तालीम हासिल करे वो औरतों को ख़ास तौर पर उनको वो एम्पावर हो वो कल को जॉब कर सके अपने कदमों पे खड़ी हो सके अपने लिए कमा सके सो दैट्स द फ्यूचर दैट वी वॉन्ट टू सी और बहुत शुक्रिया आप सबके आने का एंड बस बहुत खुश हूँ आज अभी तक यकीन नहीं आ रहा पता नहीं और शायद थोड़ा सा और टाइम लगे कि मैं हूँ पाकिस्तान में इट्स लिटरली अ ड्रीम बिल्कुल ख्वाब है थैंक यू खबर की दुनिया